Hey guys, कैसे हैं आप लोग? Welcome to another video. और आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटू सी बैड न्यूज़ देने वाला हूँ. और वो बैड न्यूज़ ये है कि यार, इतने प्यार से जो मैंने डोरेमोन सीरीज़ को स्टार्ट किया, अब उसका भविष्य थोड़ा थोड़ा ख़तरे में नज़र आ रहा है. जी, आपने सही सुना. मैंने बहुत ही प्यार से डोरेमोन सीरीज़ को रिक्रिएट करने की कोशिश की, बहुत ही प्यार से और मेहनत से एपिसोड 1 बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एपिसोड 2 बहुत डीले होता गया एंड फाइनली आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भाई, डोरेमोन सीरीज़ का जो भविष्य है वो थोड़े से ख़तरे में मुझे नज़र आ रहा है. तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि बात है क्या असल में, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ. सो जो लोग चैनल पर अभी नए आए हैं, उनको शायद नहीं पता होगा कि मैं किस डोरेमोन एपिसोड 1 की और डोरेमोन सीरीज़ की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पर ऊपर आपको कार्ड में लिंक मिलेगा एपिसोड 1 का, उसको जाकर देखना, आपको समझ में आएगा कि मैं कौन से डोरेमोन की बात कर रहा हूँ. बहुत ही मेहनत से मैंने ये वाला एपिसोड बनाया एंड बहुत आप लोगों ने प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं क्या बताऊँ. रोज़ मेरे पास इंस्टाग्राम पर एंड हर प्लेटफॉर्म पर कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई सेकंड थर्ड एपिसोड कब आएगा, एंड सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. एंड 12th फरवरी को मैंने फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ किया था, उसके बाद से यार मैं लगातार कोशिश में लगा हूँ कि मैं एपिसोड 2 को शूट करूँ. स्क्रिप्ट सारी रेडी है, मैंने खुद लिखी है, तैयार कर रखी है, एंड उसके बावजूद भी प्रॉब्लम हो रही है. और वो प्रॉब्लम की वजह मैं आपको बताता हूँ. मैं जो दो क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, एक है मैक्सटर्न जो सागर ठाकुर हैं, एंड सेकेंड है YPM ब्लॉग से यदु. तो इशू ये है कि वो दोनों भी मेरी तरह बहुत ही मेहनती कंटेंट क्रिएटर्स हैं. मतलब मैं शायद इतना मेहनती नहीं हूँ, लेकिन वो दोनों बहुत ही मेहनत से अपने चैनल पर कंटेंट बनाते हैं. एंड मेरे लिए भी और उनके लिए भी ये एक एक्स्ट्रा टास्क के जैसा है. जैसे YPM ब्लॉग्स अपने ब्लॉग्स रोज़ अपलोड करते हैं, मैक्सटर्न गेमिंग बहुत अच्छी करते हैं, स्केचेस बनाते हैं. सो मैं जैसे ब्लॉग्स बनाता हूँ या प्रैंक्स करता हूँ या स्केचेस बनाता हूँ, तो मतलब आई डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एपिसोड था. तो हमारे लिए तीनों के लिए ये एक अलग कॉन्टेंट था और इसके लिए टाइम निकालना हमें पड़ता. लेकिन अफसोस की बात ये कि कभी मेरे पास वक्त नहीं है, कभी यदु के पास वक्त नहीं है. यदु तो बहुत ट्रैवल करते हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं. तो कभी सागर के पास वक्त नहीं है. सो इस वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि जो फरवरी में ही मुझे सेकंड एपिसोड को रिलीज़ करना था या कम से कम मार्च में करना था, वो रिलीज़ नहीं हो पाया. बैक टू बैक हम सब लोग बिज़ी रहे एंड बहुत ही परेशानी हुई. एंड मैं बहुत ही कोशिश कर रहा था कि मैं मैनेज कर पाऊँ सबका टाइम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका. आज सैटरडे के रोज़ हमें एक और एपिसोड को शूट करना था. मैंने बोला फाइनली चलो हमारा खाता आज खुलेगा, लेकिन फिर से काम आ गया, मतलब हमारी टीम में से किसी को, और उसकी वजह से फिर ये एपिसोड भी लटक गया. एंड अब मुझे लगता है कि यार, पता है आप लोग वेट कर रहे हो अननेसेसरी. मैं आप लोग को ना इस उसमें नहीं रखना चाहता था, भंवर में. तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने आऊं और आपको अपनी ये प्रॉब्लम के साथ रूबरू करूं. सो ये इशू है. एंड फाइनली अब अगर मुझे एपिसोड 2 या इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है, तो मुझे दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जिनकी मदद से मैं ये काम कर सकता हूँ. फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि मैं कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम ना करके नॉर्मल लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाऊँ, मतलब जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं या एक्टर्स हैं उनके साथ, या फिर नॉर्मल लोग जैसे सदफ है, वो शिजुका का रोल प्ले कर रही है, ऐसे लोगों के साथ मैं इन्वॉल्व होके डोरेमोन सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मैं बहुत दिल से चाहता हूँ यार ये सीरीज़ को कंटिन्यू करके रखना चाहता हूँ. एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे भुवन बाम अपनी वाइन्स बनाते हैं, उस तरह से मैं खुद ही मल्टीपल कैरेक्टर्स को करूं. उसका फ़ायदा ये है कि मुझे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बोले तो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, अच्छे से कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और मैं ही बाकी सारे कैरेक्टर्स को प्ले करूंगा. लेकिन फ्लेवर जो आता है वो बाकी सबके साथ आता, तो आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड. मैंने सोचा कल हमारा ये कैंसिल हो गया था कि आज हम लोग शूट नहीं करेंगे सैटरडे को. सो तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ. फिर मैंने सोचा यार, मेरे पास इतने स्मार्ट, इतने अच्छे, इतने हैपनिंग लोग हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मतलब क्या करूं मैं, मतलब ऑप्शन 1 के साथ जाऊं कि नॉर्मल लोग और कुछ और कंटेंट क्रिएटर्स जो टाइम जो दे सकते हैं उनके साथ बनाऊं, या ऑप्शन 2 कि मैं खुद ही मल्टीपल कैरेक्टर्स
प्ले करूं, जैसे मैंने राम बिहारी और जगदीश अलावत और सोनियों के साथ बहुत कुछ किया है पहले, कुछ वैसा करूं। तो ये बात आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में। जो ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम उसको यू नो कंसिडर कर लेंगे। और मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी एक पोल डालने की सोच रहा हूँ, देखता हूँ डाल दूंगा, उसमें भी पता चल जाएगा कि कौन कितना करना चाहता है। चलो एक काम करते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पर इस वीडियो के साथ मैं एक पोल डालूंगा, आप वहाँ पर जाके प्लीज़ वोट कर देना कि आप क्या चाहते हो। इतना मज़ा आ रहा था, मैक्सटन इतना अच्छा नोबिता कर रहे थे, यदु इतना अच्छा जियान कर रहे थे, मैं तो सुनी हूँ आपको बताइए, मैं तो हूँ ही अच्छा, और सदव भी अच्छा शिजुका पुल ऑफ कर रही थी। और इस एपिसोड में मैं डेकी सुगी की ऑफिशियल एंट्री करवाने वाला था, एंड आई वाज सो एक्साइटेड, इतनी मस्त स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन वक्त की कमी के चलते ये हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और मुझे कोई ग्रजेस नहीं है सागर से या फिर यदु से, बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, बहुत सपोर्टिव रहे वो मेरे साथ इस सीरीज में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, तो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सो मच यदु एंड सागर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आता है यार, अगर हम मतलब महीने में ऐसे दो एपिसोड कम से कम बना देते, लेकिन आपके पास टाइम की इशू था, मेरे पास टाइम का इशू था। सो एनीवेज अब आपको बताना है दोस्तों कि हम ऑप्शन वन पे जाएं या ऑप्शन टू पे जाएं, यू हैव टू टेल मी। बहुत सारे लोग जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, अगर वो मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाएंगे ना तो आपको नज़र आएगा, Q&A सेशन मैंने किया था फर्स्ट, शायद उसमें मैंने बोला था या किसी एक वीडियो में मैंने बोला था कि आई वॉन्ट टू रिक्रिएट डोरेमोन, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली विच वीडियो, लेकिन हाँ मैंने कहा था। तो डोरेमोन को रिक्रिएट करना मेरे लिए वाकई बहुत ही यू नो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई रियली वॉन्ट टू डू इट यार। कॉमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो, कम्युनिटी पोल पे जाकर वोटिंग कर दो, जो करना है करो, जल्दी से बताओ मुझे, एंड बहुत दिल के करीब है मेरे डोरेमोन आपकी तरह, एंड आई वॉन्ट टू मेक मोर एपिसोड, एंड इनफैक्ट I have a lot of things in my mind. सोचा था डोरेमोन एक बार हिट हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा, उसके बाद हम बाकी चीज़ों पर फोकस करेंगे, लेकिन 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 अच्छे काम करते में कई बार अड़चनें आती हैं, तो मुझे लगता है ये उसी तरह की एक अड़चन है, एंड होपफुली मैं इस अड़चन को दूर भी कर लूँगा। Let's hope for the best. अगर आपने अभी भी एपिसोड 1 नहीं देखा है, you are coming here for the first time on my channel, so I'll tell you, I am the voice of Suryo and here is the link. यहाँ कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा एपिसोड 1 का, आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, ऑलमोस्ट 600K व्यूज उस पर हो चुके हैं, एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर एपिसोड 2, और आपको देखकर भाई फील आ जाएगा, इतना तोड़ू एपिसोड की स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, एंड अब मैं क्या ही बोलूँ यार, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आई एम सो सॉरी मैं आपको आज सैटरडे वाले दिन इतने अच्छे दिन छोटू सी बैड न्यूज़ दे रहा हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू कि बहुत जल्दी जो भी आप कमेंट सेक्शन में एंड पोलिंग में जो भी अच्छा मेरे को रिजल्ट नज़र आएगा उसके मुताबिक मैं एपिसोड 2 पर काम करना बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।